अजय साहब हस्बैंड एक्ट शुरू करें। चलो अब कहो, इससे क्यों पूछती हो? इससे पूछ के शुरू किया करो तो, मैं नहीं पता वो गर्मी खाया था। आप इजाजत मरम्मत फरमाएं। नहीं मैं मरम्मत नहीं फरमाता जायद। जायद कौन सी पेंचर हुई है जो मरम्मत फरमा दो। अच्छा अजीज साहब, पहला मैसेज मैं पढ़ के सुनाने लगी हूँ। बिहारी से उस्मान अजमल लिखते हैं, डियर अजीजी अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जिस तरह जुनैद अंकल अपनी बात में मुख्तलिफ रिसर्च अखबारों और किताबों का रेफरेंस देते हैं, आप क्यों नहीं देते? आखिर आप भी तो एक दानिश्वर हैं। बात ये है, अपना क्या नाम है इस बेटे का? उस्मान अजमल। उस्मान भाई जी, बात यह है कि ये ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, किताबें इसने बड़ी पढ़ी हुई है, मगर यमाना बहुत बड़ा उस्ताद है। मैं जो बंदे पढ़ पढ़ के जो अपना नॉलेज हासिल करता हूँ वो इस कर सकता है? आड़ू ग्रेनेड एक खुली किताब है। हाय हाय हाय। नईमा कैंची एक बाकायदा पाड़ा है, इसको याद कर ले तो बंदा हिसाब किताब में फेल नहीं हो सकता। हाय तुफैल थैला, मैं सदके जाऊं, चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, मतलब यार थैला भाई बहुत हो गए। नहीं, उन्होंने अब यूनिवर्सिटी में दाखला देना बंद कर दिया। अच्छा। अब कोई दोस्त नहीं बनाता, वो कहता चलो दौड़ो। ऊपर से हकीम बद परे, अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऐसा रिसर्चर, ऐसा रिसर्चर, एक कोई अजवाइन खरल में रख के मुख्तलिफ अंदाज से कोटते, कहते हैं ऐसे ऐसे कोटे तो कैंसर का इलाज है, ऐसे ऐसे कोटे तो खांसी ठीक हो जाती है, अगर ऐसे ऐसे कोटे तो मेदा ठीक हो जाता है। वाह वाह वाह, जरा देखो यार, पता चल गया अपने अजीजी अंकल के मंबा अलूम का। थैंक यू वेरी मच, तारीफ की है ना। अभी तो मैंने आवारागर्दी से हासिल किए हुए इलम की बात नहीं की। अच्छा जी, अगली मेल हमें अहमद खोकर सकर से लिखते हैं, सलाम टू हस्बेहाल टीम। अजीजी अंकल आप इतने मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे खत मेरे ही भतीजों ने लिखे हुए। यार तुम्हारे भतीजे इतने नालायक हैं कि वो खत भी नहीं लिखते। अजीजी अंकल, अजीजी अंकल, अजीजी अंकल। अच्छा जी, लिखा हुआ है, अजीजी अंकल आप इतने मुख्तलिफ किस्म के इलाकाई रक्स कैसे कर लेते हैं, जरूर बताइएगा। डांसर है और क्या। अल्लाह माफ करे, इस तरह बंदा अपना इलम खोता है। एक दानिश्वर को डांसर कह रहे थे। डांसर दानिश्वर नहीं हो सकता। तो यार तुम डांसर तो ना कहो, डांसवर कह दो। बेटे ये जो मैं इलाकाई डांस का मजहरा करता हूँ, इससे ये ना समझ लेना कि मैं महाराज कथक साहब का शिगिर्द हूँ, वो तो बड़े आदमी थे। ये मैं इलाकाई डांस जो दिखाता हूँ, ये मेरी अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मोहब्बत का एक वो क्या होता है, मुझे क्या पता, डांस तुम करते बताऊं मैं। इजहार का जरिया है मुख्तलिफ इलाकों से मोहब्बत के। और वो क्या, एक शायर ने कहा कि दिल ऐसा सखी ने मेरा तोड़ा, डांस करा के छोड़ा। नहीं, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल मीर बर्मिंगम से लिखते हैं, हस्बेहाल की सारी टीम को सलाम। अब लोग वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लिखते हैं, अजीजी साहब अब लोग सिर्फ दूसरों की रिस्पेक्ट उनके ब्रांडेड कपड़ों और प्राइस से करते हैं, बल्कि किसी की दिल आजारी का ख्याल किए बगैर उनसे ये पूछ भी लेते हैं कि कपड़े आपने किस ब्रांड के पहने हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? भाई जी मैं तो ब्रांडेड से मबर्रा इंसान हूँ, ये जो भाई साहब पेंट कोट वाले इनसे पूछ लेते हैं। सरकार मैं आपसे ज्यादा ब्रांडेड चीजों से एलर्जिक हूँ। हाँ जी, ये एलर्जी है, इन्होंने एक दफा ब्रांडेड सूट पहना था, इनको पेट निकला। ये क्या बात हुई। मेरा एक मौकफ है, मैं ये समझता हूँ कि ब्रांडेड चीजों के पीछे इस तरह दीवाना वार भागना, क्रेजी हो जाना, ये मतलब हमाकत है और क्या है, पैसे का ज़िया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये दानिश्वर साहब। मैं आपको ये कहूंगा भाई साहब के कपड़ों और जूतों शूतों का ये जो आपकी इस्तेमाल की चीजें हैं, ये ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए। इंसान खुद ब्रांडेड होना चाहिए कि बड़ा आला और अच्छे अखलाक का इंसान, ये ब्रांड बनाना चाहिए आपको। तुम्हें मालूम ही नहीं कि इस वक्त नाजरीन टीवी के सामने क्या कह रहे होंगे कि आए हाय 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 हाय, क्या बात की है ये ने यार, क्या बात की है, तुम्हें समझ आइए क्या बात की, पता नहीं क्या बात की है ये ने। अच्छा जी, फेसबुक पर मोहम्मद अजमल साहब पूछते हैं, जुनैद साहब आप PQN नामी एक रिवायती सियासतदान का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन उसकी सियासी वाबस्तगी बताने से क्यों गुरेज करते हैं? इसलिए गुरेज करते हैं क्योंकि PQN साहब की कोई सियासी वाबस्तगी है ही नहीं है, और हमारे यहाँ के जो रिवायती सियासतदान हैं उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होती, उनकी वाबस्तगी सिर्फ अपने मफादात के साथ होती है। हाँ हाँ, ये जो PQN जैसे सियासतदान है ना, जिनकी वाबस्तगी सिर्फ अपने मफादात के साथ होती है, इनको आप
सियासी चूहा भी कह सकते हैं। जैसे चूहा नहीं बोरी के पीछे छह लगा के बैठा हुआ कुतर रहा होता बोरी को, ये भी इसी तरह के सियासतदान है जो हमारे मुल्क को कुतर रहे हैं बैठ के। मेरा जी चाहता है किसी दिन पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की एक फहरिस्त बनाऊं और उनकी पिछली 50 साल उनकी अपनी तारीख और उनके आबाओ अजदाद की जो सियासी वाबस्तगियों की तारीख है वो मुरतब करके देख ली जाए कि कितनी बार उन्होंने स्विच ओवर किया है। बेशुमार ऐसे हैं यार है जो नवी गड्डी देख के वटर चाल मार के उसमें बैठ जाते हैं। ऐसे है। अच्छा जी मोहम्मद अदनान लिखते हैं, अजीजी साहब आप दोनों की ये लड़ाई जो कैमरे के सामने होती है अगर शो के बाद हो गई तो आप क्या करेंगे? अजीजी साहब, अजीजी साहब करेंगे क्या, पैदल घर जाएंगे। मैं पैदल घर जाऊंगा यार, हफ्ते में 3 दिन कम अज कम मुझसे लिफ्ट लेके जाते हो घर। तो तुम लड़के देख लो ना, देना मुझे लिफ्ट, बड़ा आसान करते हो मुझे अगली सीट में अपने साथ बैठा के। पिछली तो तुम्हारी वेली होती है ना सीट, उस पे तो बैठ सकता हूँ। मुझसे लड़ाई होती है गाड़ी से तो नहीं ना लड़ाई होती, और तुम अकेले नहीं मुझे लिफ्ट देते, मैं भी 2-3 दफा अपने स्कूटर के पीछे बैठा के तुम्हें लेके गया हूँ। अच्छा, वो तो तुम आप अपनी मर्जी से नहीं बैठते, उसका पिछला मडगार्ड टूटा हुआ है ना तो वो बारिश वाले दिन ये बैठ गया, इसका सारा कोट पीछे से चक्कर से भर गया, उस दिन के बाद नहीं ये बैठा स्कूटर। नज़ीम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।